इंदौर में 10वीं क्लास की छात्रा ह्यूमन ट्रैकिंग गिरोह का शिकार हो गई। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर प्रकरण दर्ज कर युवती को सकुशल राजस्थान के बांसवाड़ा से बरामद किया है। वहीं एक आरोपी को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, जहां इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती को बहला फुसला कर उसका अपहरण कर उसे बंधक बनाया गया था। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस को पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाली उनकी 17 वर्षीय नाबालिग बालिका घर छोड़कर कहीं चली गई है। नाबालिग के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए अपहरण का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने फोन लोकेशन के आधार पर जानकारी निकाली कि युवती की लोकेशन राजस्थान के बांसवाड़ा की आ रही थी। तुरंत एक टीम बांसवाड़ा पहुंची और दबिश दी और युवती को सकुशल बरामद किया है। पूछताछ में जानकारी सामने आई है कि राजस्थान के नारायण उर्फ अजय नामक युवक से युवती की दोस्ती हुई थी और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर राजस्थान बुला लिया, जहां आरोपियों द्वारा उसे बंधक बनाकर आगे बेचने की तैयारी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग द्वारा ऐसी युवतियों को निशाना बनाया जाता है जो गरीब मध्यम वर्ग परिवार से होती है। राजस्थान में शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती, इसलिए पहले उन्हें बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर आगे उनका सौदा कर दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से सकुशल बच्ची को पुलिस ने बरामद कर परिवार को सुपुर्द कर दिया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है। सीआईडी न्यूज के लिए इंदौर से कुंवर खेमचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि उसकी जो साली थी वो यहाँ पर रह रही थी पिछले एक महीने से, वो दोपहर से घर से लापता है, उसके पता नहीं चल पा रहा है कहाँ चली गई। सूचना पर पुलिस ने द्वारा जो चूँकि युवती नाबालिग थी, अतः 363 का प्रकरण दायर कर जांच चालू की गई। जांच करने पर हमने उसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक किए, उसमें वो विजयनगर चौराहा और उसके बाद में फिर उसके आगे जो बस डिपो है वहाँ तक जाते हुए नजर आई। पुलिस द्वारा अन्य जो जांच की गई उसमें जो तकनीकी आधारों पर ये पता कर लिया गया कि वो लड़की का लोकेशन राजस्थान में आ रहा है, इसी सूचना के आधार पर माननीय डीसीपी महोदय द्वारा टीम गठित कर वहाँ पर भेजी गई थी, जिसने वहाँ लगातार 3 दिन तक रहकर राजस्थान बांसवाड़ा के गाँव से उस युवती को और जो आरोपी उसको ले गया था उसको दोनों को बरामद किया। और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो इंस्टाग्राम पर उस युवती से उसकी दोस्ती हुई थी और इंस्टाग्राम पर ही उसने उसको बहका फुसला कर चैट पर बातचीत करते हुए बहका फुसला कर उसको अपने साथ ले गया था और उसका इसी कारण से उसको फिर अरेस्ट किया गया और माननीय न्यायालय को पेश किया गया। आरोपी इसमें जो है उसका नाम आरोपी नारायण उर्फ अजय ही रहे, ये जो राजस्थान के बांसवाड़ा का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया गया है।